हाय, गुड मॉर्निंग। सो अब हम राजस्थान की होम पेज पे बैठे हुए हैं, और जब देखिए, जब ऑल इंडिया राउंड 3 या एमसीसी या स्टेट्स राउंड 3 आता है, तो आई थिंक वो राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हमेशा बची होती है, इस साल भी बची होंगी, वो है राजस्थान। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ समझा के, क्योंकि फिर से ताकि आप लोग धोखा ना खा जाए, नुकसान ना करा बैठे। किसी भी कॉलेज, किसी भी, मैंने बोला आपको, हर स्टेट की हर काउंसलिंग, अगर 28 काउंसलिंग चल रही है, सबका अच्छा भला ये आता है वेबसाइट। आप जा सकते हैं, आप धोखा नहीं खाएंगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी ले सकते हैं। अभी राउंड 2 खत्म हो रहा है, तो अभी राउंड 2 की बातें ही चल रही हैं। अब धीरे धीरे सीट मैट्रिक्स राउंड 3 का आएगा, 3 का आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये सीट मैट्रिक्स आया था राउंड 2 के लिए, जिससे आपको पता चला कि बहुत सारी सीटें खाली थी, स्पेशली सरकारी एनआरआई में भी। ये देखिए, यहाँ से आपको पता चलता है, और फिर आपको पता चलता है कि जिस भी बच्चे ने एनआरआई के पेपर फर्स्ट ब्लड के जेन्युइन थे जिसके पास, उस सभी को राजस्थान का सरकारी कॉलेज मिल सकता है एट ए बजट ऑफ 1.4 करोड़। दैट मीन्स अगर आप एनआरआई फर्स्ट ब्लड हैं, सो डेफिनेटली सरकारी कॉलेज में पढ़ सकते हैं 1.4 करोड़ के सिर्फ बजट में। सिर्फ नहीं, हॉस्टल मिला के, खाना पीना मिला के, और साथ में इंडियन रुपीज़ में फीस दे के। जी हाँ, इस बार राजस्थान इंडियन रुपीज़ में फीस ले रहा है। तो कई लोगों को ये भी टेंशन होती है कि जी फर्स्ट ब्लड हमारा रिलेटिव तो बाहर है, पर वो फीस नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए सुनहरा मौका है। और यही मौका आपको राउंड 3 में भी दोबारा मिलेगा अपने आप को एनआरआई कन्वर्ट कराने का, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा चलो इसी सीट मैट्रिक्स में देखते हैं। तो ये देखिए, ये थी लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेज जिसमें हम पहले जानते थे, उदयपुर का अमेरिकन, अनंता, गीतांजलि तीन, फिर दोनों तीनों जयपुर में, बाई चांस छः, दोनों पैसिफिक में, उदयपुर में है, अलग अलग नाम से हैं। देखिए, एक पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, एक पैसिफिक इंस्टीट्यूट है। व्यास जो इस साल नया आया, जोधपुर में, सुधा, कोटा, एसएस तांतिया, गंगानगर, और जी हाँ, अब इस लिस्ट में 12वां कॉलेज जुड़ गया है, जेआईटी, जो कि जोधपुर में ही है। तो अब मोटा मोटी 5 प्राइवेट कॉलेज उदयपुर में, 3 जयपुर रीजन में, 8, 2 जोधपुर, व्यास और जेआईटी, एक कोटा सुधा, और एक एसएस तांतिया गंगानगर, जिसमें एसएस तांतिया को समय हो गया है। देखिए, ये स्टेट सीट्स थी जो राउंड 2 से पहले खाली थी, और ये मैनेजमेंट सीट्स थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया है कि राजस्थानी बच्चे को भी मैनेजमेंट सीट मिल सकती है, और बाहर के बच्चे को भी स्टेट सीट मिल सकती है जब राउंड 3 शुरू होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थानी बच्चे को रहेगी, और कैटेगरी का बेनिफिट सब राजस्थानी बच्चे को मिलता है। ओके, तो 12 कॉलेज आ गए हैं, जेआईटी जोधपुर आने वाला है। जेआईटी का बिल्कुल सेम फी स्ट्रक्चर होगा जो कि सुधा और व्यास का है, जो आपको अब यहाँ से दिखाते हैं। सॉरी, क्योंकि हर एक कॉलेज का फी स्ट्रक्चर दिया होता है। अमेरिकन बड़ा मशहूर उदयपुर में कॉलेज है, एमबीबीएस की फीस नॉर्मल 19 लाख रुपए है, मैनेजमेंट फीस 28 लाख रुपए है, और जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, बैंक गारंटी, ये देखिए। तो अमेरिकन बैंक गारंटी सिर्फ मैनेजमेंट सीट पे लेता है, स्टेट सीट पे नहीं लेता। अगला अनंता आया, सेम उदयपुर, जिसने साफ लिख दिया कि बैंक गारंटी दोनों में ही नहीं चाहिए। बट इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं, जैसे गीतांजलि, बैंक गारंटी एज पर एप्लीकेबल नॉर्म, आप गीतांजलि की वेबसाइट पर जाएंगे, क्लियरली मेंशन है कि हमें स्टेट में भी बैंक गारंटी चाहिए और मैनेजमेंट सीट में भी चाहिए। इस तरह मैं आपको हर कॉलेज दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा। अब देखिए, जब 19 लाख फीस होती है, जो ये जेआईटी वाले कह रहे हैं, सुधा की देखते हैं, तो 19 लाख फीस है, इसमें हम 2.5 लाख का हॉस्टल पकड़ लें, क्योंकि आप एसी हॉस्टल तो लेंगे, मैं मान के चलता हूँ ना। सो 19 और 2.5 हो गए 21.5, 50,000 जोड़ लीजिए मिसलेनियस एग्जाम फी, 22, 22 × 4.5 99 लाख। तो 99 लाख से कम में तो आपकी राजस्थानी पढ़ाई हो ही नहीं सकती। जो भी आपको इस समय कहते हैं 80 में करा देंगे, 85 में करा देंगे, वो बेसिकली आपको हॉस्टल के पैसे नहीं बताते हैं, क्योंकि तो हमें तो फोन आ रहे हैं, सर आप बोल रहे हो सुधा व्यास और अपना जेआईटी 1 करोड़, लेकिन लोग तो 90 लाख कह रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ना, वो हॉस्टल को जोड़ते नहीं। हमारी आदत है हॉस्टल में इसको जोड़ के बताने की, हर चीज में, जब भी मैं कोई भी फिगर बोलता हूँ। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसा मैंने कहा, कौन कौन कहाँ कहाँ बैंक गारंटी ले रहा है, आप जरूर कॉलेज से संपर्क कीजिए, क्लियर कर लीजिए। जैसा मैंने कि आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था, कई राजस्थानी कॉलेज स्टेट सीट पे बैंक गारंटी ले रहे हैं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और
अनंता मैनेजमेंट में भी नहीं ले रहा है, कुछ है जो सिर्फ मैनेजमेंट में ले रहे हैं, जैसे अमेरिकन हो गया, ठीक है। और उस बैंक गारंटी के बदले क्या उसका तोड़ है वो भी कॉलेज आपको बता देंगे, या आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये राजस्थान के 12 कॉलेज हो गए MBBS के लिए। सरकारी कॉलेज में तो बहुत कंपटीशन है, पर नॉर्मल NRI सीट आपको मिल सकती है। JIT जोधपुर में आ चुका है मेरे हिसाब से, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि व्यास को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमारे को जो कमेंट्स आ रहे हैं और हमें जो हवा दिख रही है कि कई लोग ये सोच रहे हैं सर JIT नया आ रहा है हमें मिल जाएगा। देखिए राउंड 2 to 3 में अपग्रेड अलाउड है, और ये मेरा अपना मानना है कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक व्यास में एडमिशन लिया है, शायद शायद काफ़ी बच्चे उसमें से JIT के लिए भी अपग्रेड चले जाएंगे। तो बिल्कुल JIT के भरोसे मत बैठिएगा कि अरे तो राउंड 3 में आ रहा है तो हमको 200 नंबर पे भी स्टेट सीट मिल जाएगी, या कोई एजेंट्स आपको ऐसा समझा रहे हैं। मतलब मेरी अपनी रीडिंग यही कह रही है कि JIT शायद राउंड 3 में आते ही काफ़ी कॉलेजों के ऊपर चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये होगी राजस्थान की सारी बातें। इस समय राजस्थान में आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बिकॉज ऑफ बैंक गारंटी आपको पहले बात करनी पड़ती है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब अगर NRI सीट लेंगे राउंड 3 में, तो देखिए हमेशा ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आप अप्लाई करेंगे, आप जाएंगे, ऐसे डेट्स आती हैं कि आपको किस दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। जयपुर में राउंड 3 में भी मौका मिलने वाला है जो बच्चों का फर्स्ट ब्लड बना है कि आप सरकारी कॉलेज में राजस्थान में पढ़ सकते हैं NRI सीट के थ्रू। ऐसा ही नोटिस आने वाला है बहुत जल्दी राजस्थान की वेबसाइट पे, सीट मैट्रिक्स आएगा राउंड 3 के, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि राउंड 3 में राजस्थान खुलता है बाहर वालों के लिए, और राजस्थान कोई सस्ता स्टेट तो है नहीं, जैसा मैंने आपको अभी समझाया है कि मिनिमम फीस भी आपको 1 CR की पड़ेगी। तो कई राजस्थान के बच्चे जिनका बजट 70 का था, वही यूपी भाग लिए, 350 से ऊपर वाले, 370 380 वाले, थोड़े कम वाले थे फिर वो हरियाणा भी चले गए जिनको 82 83 में काम करना था। तो अब कंपटीशन काफ़ी कम रह जाता है, और अब राजस्थान में जो आपको मेजोरिटी सीट्स हैं, मतलब मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सीट आपको 200+ मार्क्स पे भी आराम से मिल जाएगी, 150 में मिल सकती है, आपको बजट और बढ़ाना पड़ेगा। तो एक कॉलेज है दिखाए तो जिसकी फीस 35 लाख रुपए साल की है, और उस कॉलेज को हम कहते हैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट। साथ में पहले साल आप तैयार रहिए देने के लिए, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था इस कॉलेज का, कि आप इतनी फीस देने के लिए तैयार रहिए, 180 90 का पैकेज देने के लिए तैयार रहिए, साथ में पहले साल 70 लाख रुपए देने को तैयार रहिए, 80 लाख बेसिकली, तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तो यही सब वजह है जिसमें मैं समझाता हूँ कि क्यों हमें कभी कभार पहले बात करनी पड़ती है, कहीं पर बैंक गारंटी देनी है, कहीं ये फीस देनी है। तो अगर आप ये दे सकते हैं तो फिर हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक शेयर कीजिए। हमसे हेल्प चाहिए राजस्थान की सीट के लिए, यू नो अवर नंबर 9643362320, पर आप जानते ही हैं कि अवर फर्स्ट कॉल इज ऑल्सो पेड कॉल, तो उसके बाद ही हमें कॉल कीजिए। 5000 रुपये हमारा मिनिमम चार्ज है बात करने का। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।